तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं स्टूडेंट। तो सभी बच्चों की क्वेरी थी सर रिजल्ट कब आएगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला यूट्यूब पे, अगर जेएनवी के जो बच्चे हैं तो इसी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर उनके साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, उनका जो है माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। बार बार कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज भी करते हैं, सर रिजल्ट आ गया क्या, सर चेक करके बताइए। तो ऐसा ना करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा। देखिए क्या होता है, बच्चे तो ज़्यादा सर्च ही कर रहे हैं, चूँकि उनको लगा है कि उनका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए। चूँकि बच्चे जो एग्ज़ाम दे देते हैं तो रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है, और उनका में भी लेट भी बहुत हो रहा है, चूँकि बच्चे एडमिशन भी लेना है उनको। तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपके सामने न्यूज़ लेके आया हूँ। देखिए ये न्यूज़ मैं यूट्यूब से जो है डायरेक्ट जो है क्रोम से सर्च किया हूँ, ध्यान देना है। मुझे लगता है कि ये जहाँ तक ऑथेंटिक न्यूज है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। एकदम ऑथेंटिक जानकारी मैं लेके आता हूँ, और बिल्कुल आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि रिजल्ट जारी, चूँकि ये लगाना इसलिए पड़ा कि आपको अच्छे मैसेज देना, आपको अच्छी जानकारी देना ज़रूरी था। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको। तो ये जैसे देखिए आप देखेंगे तो ये न्यूज़ पे मैं सर्च किया हूँ, तो न्यूज़ पे आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी न्यूज़ जो आई है NDTV की आई है, तो दो भी इसके पहले जो एग्ज़ाम को लेकर थी। लेकिन आप देखिए ये एक न्यूज आई जो 11th चेक डिटेल के बारे में था, तो 11th के लिए था, तो वो ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सारी न्यूज है। बट एक जो न्यूज़ है वो रिजल्ट को लेकर है। देखिए ये एक न्यूज है, ठीक है, ये देखिए मैं इसको सर्च कर दिया। तो ये जो न्यूज़ है वो सर्च कर देने पर क्या होता है, ये सब जवाहर नवोदय के लिए देखिए अनाउंसमेंट देखो दिया है, यहाँ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, देखते हैं आप, ठीक है। ऑथेंटिक न्यूज़ होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है इसको कहीं जानकारी ज़रूर मिली होगी, या इसका एक अनुमान भी हो सकता है। लेकिन मेरा भी जहाँ तक अनुमान है बच्चों कि इसी ये नियर अबाउट आपका रिजल्ट आएगा, इसके पहले तो नहीं आएगा रिजल्ट, चूँकि बहुत आपका रिज़ल्ट यूट्यूब पे तो दिखा दिया गया है। अब क्या सही क्या गलत आप समझते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, जवाहर नवोदय विद्यालय रिजल्ट 2021 फॉर क्लास 6 एडमिशन JNV VST, ठीक है, मोस्ट लाइकली अराउंड 30 सितंबर। तो ये जो है 30 सितंबर के नियर अबाउट आपके रिज़ल्ट की बात की जा रही है इसमें। और बच्चों देख लीजिए, इनमें अंदर भी कुछ चीज़ें वही लिखी गई हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। 11 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, बात तो सही है, मतलब ये डिटेल इन्होंने सही एकदम सब कुछ दिया है। स्टूडेंट कैन बी लुक द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, द प्रेडिक्ट रिजल्ट आर लाइकली कम टू आउट सितंबर 30, 2021, या लास्ट वीक ऑफ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देना है, लास्ट नहीं सॉरी फर्स्ट वीक, या तो आपकी सितंबर में आएगी, 30 सितंबर तक आ सकता है रिजल्ट, या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो रिज़ल्ट है वह सितंबर के लास्ट से स्टार्टिंग अक्टूबर तक बिल्कुल आ सकता है, इसके पहले मुझे नहीं लगता कि आपका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि उनको इतना टाइम तो मिलना ही चाहिए। तो आप इस बात को एकदम माइंड बैठा लीजिए कि रिज़ल्ट तो इतना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं और इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक साथ पूरे इंडिया का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा। तो अब बच्चे एकदम ध्यान रखिए, आप अगर वैसे आपको सर्च करना है कि कहाँ देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखो जाकर चेक कर सकते हैं अभी रिज़ल्ट वगैरह, बिल्कुल आपको मैं बताया भी हूँ कैसे चेक किया जाता है। तो आप इस बात को एकदम समझ गए होंगे कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, या आपका सितंबर लास्ट वीक या आपकी अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, इन्हीं के बीच आपका रिज़ल्ट आने का बिल्कुल चांस है। हाँ ध्यान देना, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि न्यू अप्लाई का भी जो नए बच्चे अप्लाई करने आएंगे 2022 और 21-22 का, उनके लिए भी चूँकि नवंबर तक उनका आ जाता है नोटिफिकेशन ऑनलाइन का, तो उसके पहले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है एडमिशन के लिए। तो मेरा प्रिडिक्शंस यही है, मेरा अनुमान यही है कि रिज़ल्ट आपका इसी के नियर अबाउट आ जाएगा। तो आई होप आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे, आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करिएगा और दोस्तों तक इसको शेयर करके, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा, कन्फ्यूज ना रहें कि
रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत परेशान हैं, बिल्कुल आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं अच्छे से। थैंक यू।